श्रावस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार इनोवा पेड़ से टकराई, 6 लोगों की मौत, 8 घायल। नमस्कार आजाद दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जिनमें से कुछ की हालात गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस मृतकों की पहचान कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि इनोवा कार में करीब 14 लोग सवार थे। इसी बीच तेज रफ्तार इनोवा पेड़ से टकरा गए जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार श्रावस्ती जिले के एकौना थाना इलाके के सुनरे गांव के पास शनिवार सुबह इनोवा कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में इनोवा कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। कार सवार सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने पंजाब के लुधियाना से एकौना आ रहे थे। इसी बीच ये हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी प्राची सिंह ने पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कार सवार लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लुधियाना से एकौना थाना क्षेत्र के करमोहना गांव आ रहे थे तभी सुनरे गांव के पास कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से लोगों को कार से निकाला और आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर को नींद आने के चलते हादसा हुआ है। हालांकि हादसे का मेन वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। घायलों की स्थिति गंभीर है, उनसे बातचीत होना संभव नहीं है। पेड़ से टकराने के बाद इनोवा कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 100 डैशबोर्ड में फंस गए थे। ड्राइवर की लाश तो स्टीयरिंग में ही दब गई थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला और जीसीबी से गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। एसपी प्राची सिंह ने बताया कि आज थाना क्षेत्र गौना में एक इनोवा गाड़ी की पेड़ से टक्कर हुई है। पुलिस ने पहुंचकर गाड़ी को जीसीबी से बाहर निकाला। गाड़ी में 14 लोग सवार थे। ये लोग लुधियाना से आए हुए थे। 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है जबकि 8 लोगों को बहराइच रिफर किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये आपका कहाँ रहते हैं? ये जो घटना हुई है कैसे हुई है? अभी हम लोग यहाँ पे सो रहे थे, मतलब फोन की कि मतलब कहाँ पहुँचे तो मतलब फोन कोई उठा नहीं रहा था। कुछ देर बाद मतलब फ़ोन एक उठा, मतलब उसने से मतलब उधर से बोले कि कोई बच्चा है, कोई ख़त्म हो गया। तो हम लोग समझ नहीं पाए, हौले से उठे और फिर मतलब दोबारा लगाए, फिर भी कॉल नहीं लगा। इसके बाद मतलब पता चला कि मतलब ऐसे सीतापुर के पास में घटना हुआ है। तो हम लोग गए उसके पास, तो वहाँ हम लोग गए देखे, मतलब तो वहाँ पे जो बच्चे थे मतलब सबको यहाँ पे लेके आए जिस सी पर। इसके बाद जो मृतक थे उनको भिंडा भेज दिए और जो बच्चे उनको रेफर कर दिए बाहर। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? लोग लुधियाना से आ रहे थे। अरे कहाँ मतलब कहाँ के लिए आ रहे थे ये लोग? उनके मतलब पिताजी की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, तो उनकी मिट्टी में आ रहे थे। कौन से गाँव? करमोना। कब की घटना है ये? कब की घटना है ये? सुबह हुई कम से कम 5:30 के लगभग, 5 से 6 के अंदर। यह कैसे हुआ है अब ये तो पता नहीं। मतलब वहाँ पे जाने पे पता लगा कि टायर फट गया था और पेड़ से जाके टकरा गई। इसी से मतलब लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। आज सुबह 6 बजे थाना क्षेत्र गौना से सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की। ये सुनरई गांव पड़ता है जहाँ पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से। जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को जेसीबी के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला ये सब लुधियाना से आए थे। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकौना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को सीएससी इकौना पहुँचाया गया। वहाँ पे 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।